दोस्तों, हमने सोचा था सिर्फ तीन ही बेबी देगा, पर एक और बेबी आ गया बाहर जो शायद ब्लैक कलर का है। Welcome to the world, babies. Welcome to the beautiful world. And they are five. They are five. Hi guys, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। हमारी फैमिली में पांच किटन्स और आ गए हैं, दो हमारी कैट है। कल रात को माशा ने बेबीज दिए हैं। इसी बात पे आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो, पर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और प्लीज इसको लाइक करा करो वीडियो को, और इसको शेयर किया करो। तो दोस्तों, रात को 3 बजे से लेके 6 बजे तक माशा को पेन हुआ। मैं बताती हूँ आज क्या होता है। कल रात को 2:30 बजे के आसपास माशा ने म्यू करना शुरू किया, उसको कॉन्ट्रेक्शन हो रहे थे। तो अर्जुन ने मुझे उठाया फटाफट से कि ये क्या हो रहा है, बस देखना। तो मैंने यूट्यूब पे पूरा रिसर्च करके रखा हुआ था, पूरा इसका नेस्टिंग रेडी था। मैं फटाफट से बेडशीट और वो पिलो कवर सब लेके आई, पानी वगैरह और सीजर सब रखा साथ में, ये वो अम्बिलिकल कोड काटने के लिए, वो भी बड़ा केयरफुली काटना पड़ता है। तो फिर बस हमने माशा जैसे जहाँ पे हमने नेस्टिंग किया था वहाँ पे माशा ने बर्थ नहीं दिया, कहीं और जाके दिया, बट समहाउ वी मैनेज। और बहुत ब्यूटीफुली हमने सब चीज़ें अच्छे से मैनेज कर ली, सारे बच्चे हेल्दी हैं। आज नेक्स्ट डे हो चुका है, कल रात की बात है ये, अब रात होने वाली है वापस से। और हमने छोटी छोटी क्लिपिंग्स बनाई हैं उसकी, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। बिकॉज हमारा चैनल में एक चीज़ और है जो हम मतलब खास ख्याल रखते हैं कि हम कुछ एजुकेट कर सकें। तो ये बेबीज को हम जैसे हमने इसको बर्थ दिया है, हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम था, पर हमने रिसर्च बहुत करी थी। तो आप में से किसी के घर में भी अगर किटन है और कोई बेबी होने वाला है या कुछ होने वाला है, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, मैं उस कमेंट का जवाब दूंगा और आपकी मदद। हम लोगों से हमने बहुत रिसर्च कर ली है और अब हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी हो गया है। जिससे भी मैंने बात करी उसने यही बात बोली थी कि भाई एक आधा बेबी मर जाता है, जो मेरे को बहुत डर लग रहा था स्टार्टिंग में, पर मैंने बहुत अच्छी तरह कैट का ख्याल रखा, उसको बहुत अच्छा फीड दिया। जब से ये कंसीव करा था इसने, मैंने बहुत अच्छा इसको खिलाया था, एक भी बेबी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माशा ने अभी तक खाना नहीं खाया था सुबह से लेके, पर अब मैं इसके लिए एक चिकन लिवर मटन लिवर लाया था थोड़ा बहुत, और इसने वो खा लिया। अब इसके शी इज गॉट एनर्जी नाउ, एंड बहुत अच्छी तरह हम इसको हैंड फीड करके दूध पिलाया हमने माशा का बेबीज को, और भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। मैं आपको क्लिपिंग्स दिखाता हूँ फिर। हाँ, जिसकी आपको बहुत ज्यादा वेट है कि बच्चे कैसे पैदा हुए। एग्जैक्टली वो क्लिपिंग्स हमने बहुत देखी है, कई बार देखी है यूट्यूब पे, अब हमने भी उन क्लिपिंग्स को डाला है, तो आप देखिए वो क्लिपिंग्स में आगे क्या किया। छोटा सा अभी हाँ, तो वो थोड़ा हिलना डुलना चाहिए, वो अभी भी है ना उसमें ही है बेबी के। वो मैं करूँ क्या, नो क्या करना, नहीं अभी काटना नहीं, अभी तो ही निकलता, मैंने वीडियो देखी थी। तो लेग उठाइयो, बेबी शुड मूव यार, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। दोस्तों, एक बेबी आ गया माशा का बाहर, यू कैन सी, छोटा सा बेबी, प्यारा सा, पता नहीं हूँ। उसको दूध पे लाना शुरू कर दिया। तो ये जो कॉर्ड है उसकी, उसको खा लिया इसने, इससे इसको एनर्जी मिलती है, अभी दूध पिएगा बेबी। दोस्तों, एक बेबी आ चुका है और यू कैन सी वो अंदर गया दूध पीने पूरा। और पता है अभी 4 बेबीज और आएंगे, मतलब मेरे पता नहीं 4 है कितना, मिनिमम एक कैट है ना 3 to 4 or 5 भी दे सकती है बेबी। और ये नहीं है कि अच्छा एक ही एकदम पुचक करके निकलेंगे, ऐसा नहीं है। अभी बेबी को बाहर आया है, हो सकता है 1 घंटे में दूसरा बेबी बाहर आए, हो सकता है कि ये इस पूरे प्रोसीजर में 3-4 घंटे लग जाए, वी डोंट नो दैट। बेबी क्या दूध पीना, जैसे एक बेबी आया है उसको ये पूरा अच्छी तरह से लिक करेगी, साफ करेगी, फिर वो दूध पिएगा, फिर ये लेट जाएगी, आराम करेगी, लेट्स सी हाउ इट गोज। एक और बेबी आ रहा है।
इट्स नॉट अ बेबी। छोटा सा बेबी। स्मॉल बेबी इज मेकिंग नॉइज। उसकी माँ के बस पास रहने दो उसको, उसके वॉर्म्थ मिलते रहे माँ के। क्लीन कर रही है लिख करके, तो थोड़ी देर में बस अभी जो भी वाई प्लेसेंटा बाहर आया ना अम्बिलिकल कॉर्ड ये खा लेगी टू गेट सम एनर्जी। इसको बहुत ज़रूरत है इस वक्त एनर्जी की। पता नहीं इसको कैसा फील हो रहा है इस वक्त माशा को, बट एज अ मदर आई कैन से दैट कि शी मस्ट बी इन पेन और बिल्कुल आउट ऑफ एनर्जी हो चुकी होगी। अभी तो दूसरा बेबी आया, अभी दो तीन बेबी और भी आएंगे। भगवान ने भी इनको ऐसे ही बनाया है कि जैसे बेबी एक हो रहा है उसके 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद फिर नेक्स्ट होएगा, ताकि जब तक वो अपनी पहला बेबी को प्रिपेयर कर ले, लिख करके उसको मिल्क के लिए रेडी कर ले। और थक गई है अभी तो, क्योंकि थकने वाली है मतलब। हाँ, इसको ये रात के 4 बजने वाले हैं, हमने 3 बजे स्टार्ट किया था इसको कंट्रक्शन होना, इसको पेन होना 3 बजे स्टार्ट हो चुका था। शी इज लिकिंग ये अभी अपने बेबी को लिक कर रही है जो दूसरा बेबी इसका है। एंड देखो पहला वाला बेबी को बिल्कुल लिक करके पूरा क्लीन कर चुकी है। और ये एक और तीसरा बेबी आ चुका है बाहर, थर्ड बेबी इज ऑल्सो आउट। छोटा सा बेबी है अभी, एंड अभी आंखें भी नहीं खुल रही इसकी। कैन यू सी उसका फेस पिंक कलर का। आराम से देखना बिल्कुल, उधर मामा के पास जाना आराम से, उधर सुनो। दोस्तों ये बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट है, जैसे हमारे बच्चा है माशा, हमने इसको इतने प्यार से पाला है और हमारे आप ये कह सकते हैं हमारा बेटी ने आज बच्चे दिए हैं, तो एक बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट है। मतलब हमारा दिल हमारे बेटी के बच्चे दिए हैं और हमारी बेटी तो है, बेटी की तरह तो है, और बहुत अच्छा मोमेंट है। आज मतलब बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ब्यूटीफुल मोमेंट, ब्यूटीफुल मोमेंट। बस अभी ये दूध पिला दे, टेंशन ये हो रही है दूध क्यों नहीं पिला पा रही है। अर्जुन हम नाना बन गए, चूहे से भी छोटे हैं बच्चे ये, चूहे से भी छोटे बच्चे ये, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बेबीज हैं ये। दूध पी लो प्लीज, माचन को दूध पिला दे। एक पूरा कच्चा अंडा इसको फेंट के दिया है जिससे कि इसके अंदर एक पावर आ जाए। और 3 बेबीज ये हो चुके हैं इसके, एंड मुझे नहीं लगता ये और बेबीज आएंगे। एंड बहुत इसको भूख लगी हुई थी, एकदम से वो अंडे को खा चुकी है। इट इज वंडरफुल ब्यूटीफुल बेबी, ब्लैक कलर का बेबी एक और आया है। वी थॉट कि सिर्फ 3 ही होंगे, बट ये तो एक और आ गया। बताइए कोड काट के देनी पड़ेगी क्या चीज़ दियो। 3 बेबीज हैं जो वाइट कलर के हैं, एक बेबी आया है जो ब्लैक कलर का आया है, ये अभी आया है। हम लोग मतलब तमाशा को अकेला छोड़ दिया था, वी थॉट कि 3 बेबीज ही होंगे, बट एक बेबी हुआ। हम सो गए थे तब पापा एकदम से आने का रंजू ब्लैक कलर का बेबी है। मतलब वो 3 वाइट बेबीज के सामने ये ब्लैक बेबी, इफ यू कैन लुक एट इट, इट इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, इट्स लुकिंग ऑसम। एक बहुत अच्छा मेमोरी हमारी कैप्चर हो रही है, इट इज वंडरफुल। ब्लैक भी नहीं दोस्तों, ये ग्रे कलर का है। अभी तक जो मैं बोल रहा था ब्लैक है, ये ग्रे कलर का है। इट वॉज लुकिंग ब्लैक बट ये बेबी ग्रे कलर का आया। कैसे बेबीज एक दूसरे को हगी कर रहे हैं, एंड ये कैसे कर रहे हैं, दिस गॉट 1, 2, 3 एंड 4, नाउ वी गॉट 4 बेबीज। शायद एक बेबी और दे जो मेरे को फील करके लग रहा है इसके टमी में, एक बेबी और दे। कोई भी कलर का सुनो, अभी तक ये दूध नहीं पी रहे थे। अब मैंने बेबीज को इस हिसाब से रखा है, अब उस पर 4 बेबीज हो गए हैं, पर बेबीज को मैंने इस हिसाब से रखा है
ये कैसे भी करके दूध पी ले एंड आई थिंक दे स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड माशा इज अप्रिशिएटिंग मी कि मैं ऐसे करा, देखो मैंने इसको हेल्प करा तो दे स्टार्टेड ड्रिंकिंग मिल्क। ये एक नॉर्मल नेचर है बच्चों का कि ये निकलते ही दूध पीते हैं। बहुत फाइनली थोड़ी बहुत हमारे को संतुष्टि हुई दैट दीज बेबीज आर ड्रिंकिंग मिल्क नाउ। नहीं तो वी वर लाइक कि ये कैसे होगा। तीन से पाँच हो गए एंड फोर बेबीज हो गए हैं। बट माशा को बहुत मतलब ऐसे ऐसे करके सर आगे करके प्यार करवा रही है कि इसको ना थोड़ी सी घबराहट हो रही होगी बेचारी को। ये देखो सर आगे करके प्यार करा रही है बिकॉज इसे थोड़ा सा सुकून मिल रहा होगा इसको और इसको ट्रस्ट है। नहीं, अंडा एक खिला दिया था इसको माशा को, हमने एक अंडा खिलाया था वो गप गप करके खा गई है एंड पता नहीं शायद एक और बेबी निकले या ना निकले क्योंकि मैंने जब टमी में टच करा है तो मेरे को लग रहा है दैट देयर इज वन मोर बेबी बट टिल नाउ वी हैव गॉट फोर बेबीज एंड दे आर ओके। गॉड की कृपा से सब ठीक चल रहा है अभी तक। तो थ्री बेबीज आर वाइट कलर एंड वन बेबी इज ग्रे कलर। हमारे चार तो पहले बेबीज आ चुके हैं, एक पांचवा और आ गया है। हियर कम्स वन मोर बेबी एंड दिस इज ऑल्सो ये भी वाइट कलर का है। देखो कैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही है। एक्चुअली माशा उसको क्लीन कर रही है और क्लीन करके ही इसको पूरा बाहर करेगी। वो क्लीन करेगी जब पूरा वो बेबी बाहर आ जाएगा तो लैर हैव टू कट द कॉर्ड और वो जो उसके साथ वो आता है वो उसको खा लेगी माशा। ऐसे मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ जैसे कि ये दूध पी लें सारे बच्चे और माशा इज रेडी कि मैं इसकी हेल्प करूँ। तो ये बच्चे सब दूध पी रहे हैं अब एंड टेंशन तभी दूर होगी जब ये अच्छी तरह दूध पी लें। दस एक दिन इनको थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी, हैंड फीड करा के दूध पिलाना पड़ेगा जिससे कि ईजी हो जाए इनके लिए दूध पीना। See, we have created a nest. ताकि ये बस अपना यहाँ पर रहे कंफर्टेबल। इसका बेडिंग हमने रेडी कर दिया है, ये एक मैट है, ये मैं लेके आया हूँ, ड्राई शीट है, ये हाइजीनिक है जैसे कि अगर ये सुसु पॉटी इस पर करेंगे वी जस्ट हैव टू थ्रो इट। इसके नीचे प्लास्टिक लगा है जिससे कि नीचे नहीं आएगा। अगर ये कैट किटन्स सुसु पॉटी करेगी तो हम वो हटा सकते हैं। तो दोस्तों होप आपको ये क्लिपिंग्स अच्छी लगी हो। ये छोटे छोटे कैप्शंस हैं जो हमने करे थे कल बेबी को बर्थ करते हुए। हम लोग बिल्कुल रात को नहीं सो पाए और सुबह मेरे को काम पे जाना था, रन्ना भी बहुत बिजी थी सुबह से, बेबीज़ के पास बैठी हुई थी, इनका ख्याल रख रही थी, इनको हैंड फीड कर रही थी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए एंड आप मेरी रिक्वेस्ट है अगेन आपसे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो। और कुछ भी आप किटन्स के बारे में जानना चाहते हैं, आपको किटन्स के बारे में कुछ भी जानना है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं भी अगर जवाब नहीं देता तो रन्ना भी हर वीडियो पे जवाब देने की कोशिश करती है। बाकी हमारा आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई कमेंट का हमने जवाब नहीं दिया। आप लोग कमेंट करो, हम जरूर जवाब देंगे एंड वील टॉक टू यू। वी वॉन्ट टू गेट क्लोज टू यू एंड इन टच विद यू। वी वॉन्ट टू गेट इन टच विद यू सो प्लीज़ कमेंट करो, विल टॉक एंड कोई भी आपकी क्वेरीज है तो हम आपको बताएंगे। आप लोग में से कई ऐसे लोग होंगे जो किटन नहीं भी पालते तो हम उनको भी किटन्स के बारे में बता सकते हैं। सो प्लीज़ कमेंट करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। Stay in touch, stay connected, signing off. And love you guys, thank you guys, thank you everyone.